अरुण भूमि के तमाम दर्शकों को आज मैं लेके चलता हूँ जो कि दिक्रोंग में स्विम लैंड जो रिजोर्ट है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत जगह में लोकेटेड है। अगर आपको मैं इस स्विमिंग पूल यानी जो दिक्रोंग जो स्विम लैंड जो रिजोर्ट है इसके बारे में अगर आपको जानकारी दूँ, ये अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का बना हुआ है। यहाँ से आप जाएंगे तो ये ऐसे आपको प्रतीत होगा कि ऐसे लगेगा कि ये जो है नेचुरल चीज़ से बना हुआ है। ऐसे मतलब ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है, क्योंकि अरुणाचल में क्या हो रहा है कि लोग बढ़ रहा है तो ऐसे में लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही है। तो ऐसे में लोग जो है हमारे लोग जो अभी आज से कुछ साल पहले या फिर एक दो महीना पहले क्या होता था कि यहाँ से गुवाहाटी जाता था, जो हमारा जो नाइवर स्टेट वहाँ जा करके जो है स्विमिंग पूल वगैरह में जो है नहाने के लिए या फिर इंजॉय करने के लिए अपने परिवार के साथ जाता था। लेकिन अरुणाचल में सबसे अच्छा बात यह है कि हर जगह में अभी स्विमिंग पूल जो है खुल रहा है। उसमें से एक अगर हम लोग दिक्रोंग का जो है स्विम लैंड जो रिजोर्ट है इसके बारे में अगर हम आपको बता दें तो हमको ये जानकारी दिया गया कि मालिक की तरफ से यहाँ पर जो है बच्चे नहा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कैटेगरी हिसाब से मतलब जो ऊंचा के हिसाब से कौन कितना खद का होता है उसके हिसाब से उसके अनुरूप बनाया गया है। ये आप चक्कर देखेंगे यहाँ पर जो है आप जब परिवार के साथ आते हैं अपने बच्चों के साथ आते हैं तो आप बच्चों को यहाँ पर जो है नहाने के लिए सुविधा यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार का जो है अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी जो है देख सकते हैं। और इस तरफ भी अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ जो है हमको ये बताया गया कि ये जो है जगह जो है बहुत गहरा है। तो गहरा इसलिए बनाया ताकि लोग जो है जो बड़े कद के होते हैं या आप ये कह सकते हैं कि जो 6 फीट का होता है 5 फीट का होता है ये लोग जो है यहाँ पर नहा सकता है। ये बहुत सुंदर तरीके से मतलब लोगों की सुविधा के अनुरूप जो है ये जो है दिक्रोंग जो है स्विम लैंड जो रिजोर्ट है ये आपके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो चुका है। आप यहाँ पर आ करके आराम से इंजॉय कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर जब कैमरा पर्सन से कहूँ उधर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइफ जैकेट जो सबसे ज़रूरी होता है कि कई बार ऐसे होता है कि स्विमिंग पूल में भी कुछ कुछ कभी कभी घटनाएँ होती है तो उसको जो है यहाँ का मालिक जो है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो है लाइफ जैकेट हम लोग जिसको बोलते हैं तो उसके लिए बच्चे से लेकर के बड़े जितने भी जो लोग यहाँ पर नहाएंगे उसके लिए सुविधा दिया हुआ है। और सबसे अट्रैक्शन जो पॉइंट एक तो ये भी है कि यहाँ पर जो आई लाइव दिक्रोंग आप देख सकते हैं तो शाम के समय जो है ये दिक्रोंग जो रिजोर्ट है या फिर जो दिक्रोंग का जो ये स्विम लैंड जो रिजोर्ट है ये कुछ और दिखाई देता है। यहाँ आप देखेंगे तो लोगों को जो है बैठने के लिए आराम करने के लिए हर सुविधा आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो ये इस प्रकार का ये जो है लोगों के लिए सुविधा बनाया हुआ है। मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं जो इस जो दिक्रोंग जो स्विम लैंड जो रिजोर्ट है इसमें कौन कौन सा जो लोगों के लिए सुविधा बनाया हुआ है उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और अगर हम लोग यहाँ का एड्रेस की जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन लोगों को यहाँ पर अच्छा मतलब सुविधा मिल सकता है जैसे कि नेरिस्ट से ये वॉक डिस्टेंस में है क्योंकि आप जब यहाँ पर शॉर्टकट आता है तो नेरिस्ट के जो बच्चे जो नेरिस्ट में पढ़ते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा जो नज़दीक होता है। ये अक्सर हम लोग जो है फिल्मों में जो है जब फिल्म देखते हैं उस समय जो है इस प्रकार का आपको स्विमिंग पूल में ऐसे लोगों को आराम करने के लिए जो चेयर होता है इस प्रकार का सुविधा जो फिल्मों में हम लोग देखते थे। लेकिन अच्छी बात है कि अरुणाचल प्रदेश में अभी इस प्रकार का जो है लोगों के लिए जो यहाँ पर जो कस्टमर आता है उसके लिए इस प्रकार का सुविधा कर देना ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है कि जो लोग यहाँ पर इंजॉय करने आता है तो उसको जो हर सुविधा से मतलब मुहैया कराया जा सके इसको जो है नज़र रखते हुए इसको जो है सुविधा को जो देखते हुए मालिक ने यहाँ पर रख दिया गया। जैसे कि यहाँ नहाने के बाद में आराम से आप ऐसे जैसे आप ये चेयर देख रहे हैं तो यह आप आराम कर सकते हैं। मतलब अभी तो बहुत धूप है जब धूप ढल जाता है उस समय जब अभी आप इंजॉय करने के लिए आते हो अपने परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ आते हो तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर आराम से नहाने के बाद में यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग चलेंगे तो आपको मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ कि और मालिक ने हमें बताया कि ये पानी को ऐसे कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पर नहाने के बाद में पानी गंदा हो जाता है ऐसे लोगों का शिकायत रहता है तो यहाँ पर लोग नहाने के बाद में इस पानी को जो है हमेशा प्यूरीफाई कर दिया जाएगा ऐसे मालिक का भी कहना है। जिसे आप देखेंगे तो इस प्रकार का सफाई साफ सफाई जो है हमेशा इसमें लगा रहता है। जो यहाँ का जितना भी जो काम करने वाला जो कर्मचारी है इस प्रकार का आपको जो हमेशा साफ़ सुथरा देंगे। और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर बाथरूम है लेडीज़ टॉयलेट लेडीज़ के लिए अलग जेंट्स के लिए अलग यहाँ पर दिया हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत दीवार से है आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का जो खूबसूरत से बनाया। देखिए ऊपर मैं कैमरा से कहूँ या देख सकते हैं दिक्रोंग जो स्विम लैंड जो रिसोर्ट है ये इस प्रकार का जो है आपको प्रतीत होगा। ये बहुत खूबसूरत तरीके से मतलब जो यहाँ पर जो भी आएगा उसके लिए सुविधा जो सुविधा को जो ध्यान में रखते हुए ये कास्ट इंतजाम जो है लोगों के लिए किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं मैं अभी शुरू में मैं लाइफ जैकेट का जो जिक्र कर रहा था तो ये इस प्रकार का है।
तो जो भी बच्चे आते हैं जो स्नान करने यानी नहाने के लिए जिसको दिक्कत होता है वो जो आराम से लाइफ जैकेट को पहनकर जो है आराम से वो जो है यहाँ नहा सकते हैं। ये है जब नहाने के बाद जब आप रेस्ट करेंगे यहाँ पर, जो शुरू में आप देख रहे थे यहाँ पर जो आई लव जो दिक्रोंग है, क्योंकि ये दिक्रोंग को इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि इसका जो सामने में जो है दिक्रोंग नदी आपको नजर आएगा। ये दिक्रोंग का जिक सता हुआ जगह में है। यह मैं कैमरा पर्सन कहूँ तो जब आप नहाने के बाद में आप जो है आराम से यहाँ पर जो है लेट के जो है यहाँ आराम से आना, मतलब जो रिलैक्स आपको करना होता है, जो रिलैक्स मूड में नहाने के बाद में आपको यहाँ पर आराम से जो आपको पीने का खाने का चीज़ को है यहाँ रख करके इन्जॉय कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत तरीका। मैं कैमरामैन से इस तरफ से कहूँ, अगर इस तरफ आप घुमा के दिखाएंगे एक बार तो पीछे तरफ आपको इस प्रकार जो है नज़ारा दिखाई देगा, जैसे आप देख रहे होंगे ये आपको इस प्रकार का जो है नज़ारा दिखाई देगा। तो सबसे खुशी वाली बात ये है कि आज इस जो है दिक्रोंग स्विम लेन जो रिजोर्ट है आज इसको जो है पूरा पब्लिक के हवाले, यानी यहाँ पर जरूर पैसे लेंगे ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जो दे रहा है लोगों को ये अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है मतलब। और दूसरा जो है कि यहाँ का जो यूथ है जो इस रिजोर्ट को जो चला रहा है ये कहीं ना कहीं यूथ युवा होता है, तो ये जो है जो हमारा जो यंग जो एंटरप्रेन्योर है उसको बढ़ाने का काम एक तरफ से ये भी कर रहा है, और इसको जो चला रहा है वो एक युवा है जो कि पढ़े लिखे युवा है। रिजोर्ट का जो है नज़ारा अभी मैं कैमरा पर्सन कहूँ यहाँ से आपको इस प्रकार दिखाई देगा, बहुत खूबसूरत है। देखिए मालिक की तरफ से हमको ये बताया गया कि हमने शुरू में आपको बताया था कि स्विमिंग पूल में जब नहाने के बाद ऐसे शिकायत आता है कि गंदगी ज़्यादा होता है, तो मालिक की तरफ से ये बताया गया कि ये वो मशीन है जहाँ पर जो आपको पानी को हमेशा दूसरा नहाने के बाद में तीसरा लोग जब आएगा इसको यहाँ से रिसाइकलिंग करते हुए प्यूरीफाई करते हुए यहाँ से जो है पानी वहाँ पर शुद्ध पानी देता है, तो ऐसे में वो स्विमिंग पूल के अंदर जो है गंदगी होने का चेंजेस जो है कम रहता है। जो रिजोर्ट है इसका सबसे खूबसूरत बात ये है कि जो अभी मैं जा रहा हूँ ये सबसे खूबसूरत जो मैं सबसे एक जो है केंद्रित यानी यहाँ पर जो ये आकर्षण का केंद्र है, मतलब पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ये जगह है, क्योंकि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आप जो है आर्टिफिशियल जो रेन वाटर है जो मतलब ऊपर से गिरता है, तो ये आप देखेंगे मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ, मतलब दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर जो शाम के समय क्या होता है कि साइड साइड में जो है साउंड बॉक्स लगा दिया जाता है, तो शाम को 6-7 बजे के बाद जब यहाँ पर आप आएंगे तो इसको जो है आप आराम से यहाँ पर इंजॉय कर सकता है। दिक्रोंग जो स्विम लैंड है रिजोर्ट है इसका सबसे खूबसूरत हमको ये लगा, क्योंकि शाम के समय अभी भी आपको लगेगा ये पानी बहुत ठंडा है, तो जब ये शाम के समय अगर आप यहाँ इंजॉय करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, और ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ क्योंकि वहाँ से पानी गिरता जरूर है, ये पानी जो अंदर चला जाता है, तो ये एक खास बात है यहाँ का जो है दिक्रोंग जो स्विम लैंड है जो रिजोर्ट है यहाँ का सबसे एक आकर्षक केंद्र ये है। पीछे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो बहुत खूबसूरत तरीके से जो दीवार को जो है सजाया हुआ है ताकि यहाँ पर जो भी फैमिली वाले लोग जो भी आता है यहाँ पर जो भी यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आता है उसको जो है किसी भी कसर मतलब नहीं छोड़ने के लिए सुंदर होने के लिए और अच्छा से इंजॉय कर सके, इस प्रकार का ये जो है रिजोर्ट को यानी ये जो है दिक्रोंग स्विम लैंड जो रिजोर्ट है इसको जो तैयारी किया हुआ है। अभी आप देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत है, जब ये वहाँ से जो है पानी गिरता है तो उसका हवा जो है ना आपको लग रहा है, हवा के साथ साथ ये पानी जो बहुत ठंड है तो यहाँ पर आप आराम से इंजॉय कर सकता है। शाम को यहाँ पर जब लाइटनिंग होता है उस समय आप आराम से यहाँ पर जो है डीजे टाइप का जो है साउंड बॉक्स लगा दिया जाता है, तो आप यहाँ पर नाचते हुए जो है इस जो है मतलब जो हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल जो रेन जो वाटर है यहाँ पर आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। दिक्रोंग स्विम लैंड जो रिजोर्ट है यहाँ का एक सबसे विशेषता ये है कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट एक है जिसमें फैमिली जो भी यहाँ पर विजिट करने के लिए आता है उसके लिए बहुत अच्छा है। आप फैमिली के साथ दोस्तों के साथ जब यहाँ पर आता है इस रेस्टोरेंट में जो है आप आराम से डिनर वगैरह कर सकता है, जैसे कि इंडियन हो गया चाइनीज़ हो गया जितना आपको जो ज़रूरत है आपको यहाँ पर मिलेगा। और हमें मालिक की तरफ से ये भी बताया गया है कि इस रेस्टोरेंट में जो है एंट्री के लिए कोई चार्जेस नहीं है, हालांकि जो स्विमिंग पूल है उसमें चार्जेस के लिए जब ये शुरू हो जाएगा उस समय आपको प्राइजेस बताया जाएगा, लेकिन मालिक का ये कहना है कि अभी तक स्विमिंग पूल में एंट्री होने के लिए उसका चार्जेस जो है अभी तक फिक्स नहीं है। लेकिन जो ये जो रेस्टोरेंट आप देख रहा है यहाँ पर जब आप परिवार के साथ आते हैं तो उस समय आप यहाँ पर आराम से इंजॉय कर सकता है, और ये जगह ही ऐसे है कि यहाँ पर बहुत कूल है क्योंकि बहुत ठंडा है, और ऐसे जगह में जो है आपको अपना परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ आकर के यहाँ पर इंजॉय करना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे ये है जहाँ से आपको सामान वगैरह आपको यहाँ पर ऑर्डर करते हैं तो यहाँ से आपको सामान मिलेगा, उसके बाद आप यहाँ
निकल कर आराम से या अपने दोस्तों के साथ जैसे उधर देखेंगे तो इस प्रकार बेहद करके जो है आप अपने परिवार के साथ जो है इंजॉय कर सकता है। और यहाँ से रेस्टोरेंट के अंदर से जो है आपको स्विमिंग पूल इस प्रकार नज़र आएगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूँ तो एक बार आप यहाँ से दिखाएंगे तो आपको यहाँ से जो है यहाँ आराम से आप खाते हुए पीते हुए यहाँ पर लोगों को जो है आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब स्विमिंग पूल यहाँ से नज़ारा इस प्रकार दिखाई देगा। उस तरफ भी मैं कैमरा पर्सन कहूँ तो आपको इस प्रकार नज़ारा दिखाई देगा। ये बहुत खूबसूरत है जो रेस्टोरेंट के अंदर से आपको दिखाई देगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कैपिटल रीजन में कहीं भी जाओ आपको पार्किंग का जो असुविधा है ना, ये पब्लिक को बहुत चिंतित कर देता है। अगर आप आकाशदीप भी जाते हो, बैंक तिनाली जाते हो, कहीं भी सिटी में आप जाइए, नाहरलगन जाइए, बांदरदेवा जाइए, उसमें जो है सबसे प्रॉब्लम जो है पार्किंग की होती है। तो अगर हम लोग यहाँ का जो है दिक्रोंग जो स्विम लैंड जो रिजोर्ट है यहाँ का पार्किंग के बारे में आपको हम बताएंगे तो इस प्रकार आपको दिखाई देगा। ये पार्किंग है, यहाँ का जो पार्किंग सुविधा है आप देख सकते हैं। यहाँ आगे जो है फोर व्हीलर को रखा जाएगा और इस प्रकार बाइक को ऐसे रख दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके जो डीवर है आप जो देख रहा है, डीवर के पीछे भी इसके लिए पार्किंग बनाया हुआ है जो कि सबसे खूबसूरत है। क्योंकि पार्किंग जब भी कोई यहाँ पर आना चाहेगा तो सबसे पहले ये सोच के जाता है कि उसमें पार्किंग व्यवस्था होगा कि नहीं। तो आपको बता दूँ ये जो है स्विमिंग पूल में यानी जो दिक्रोंग जो स्विम लैंड जो रिजोर्ट है यहाँ पर पार्किंग का व्यवस्था जो है बहुत खूबसूरत है। जब आप दिक्रोंग जो स्विम लैंड जो रिसोर्ट है जब आप यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करोगे तो उसमें आपको ये नज़ारा दिखाई देगा। ये जो है टिकट काउंटर है, आप ये भी कर सकते हैं कि रिसेप्शन जो है जहाँ से आप टिकट लेकर के अंदर एंट्री करेंगे। और आगे ये जो है आपको दिखा दूँ, ये तो टिकट काउंटर हो गया। और आगे हम लोग जाते हैं जो लॉकर की हम लोग ने बात किया है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। यहाँ से जो है आपको एंट्री मिलेगा, उसके बाद जो है रिसोर्ट के अंदर जो है आप एंट्री कर सकते हैं। तो आज ये जो रिसोर्ट जो है ना बहुत खूबसूरत जगह में लोकेटेड है। और मैं ये बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो यहाँ का जो फुटेज है, ड्रोन जो फुटेज है आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये दरअसल जो है ड्रोन से किस प्रकार इसका नज़ारा जो है दिखाई देता है। तो इसमें आपको दिक्रोंग नदी भी दिखाई देगा और ये ऊपर से जब ये नज़ारा जो है ना जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत जगह में लोकेटेड है और इतना खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है कि आप यहाँ अपने परिवार और दोस्तों के साथ में आ करके आराम से इंजॉय कर सकता है। दिक्रोंग स्विम लैंड जो रिजोर्ट है ये बहुत खूबसूरत तरीके से खासकर जो है उन तमाम कस्टमर के लिए जो मतलब ऐसे स्विमिंग पूल में जा करके अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहता है उसके लिए खास यह जो है बनाया गया है। यहाँ अगर हम लोग जाते हैं जो हमने सुबह शुरू में आपको बताया जो लॉकर है कि ये कई बार बहुत ज़रूरी होता है जब आप अपने सामान लेकर आते हो तो चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो चाहे होता आप जो बैग लेते हो तो उसके हिसाब से जो है मैं कैमरा पर्सन को आप दिखाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। आप अपना सामान को जो है यहाँ रख करके आपको जो है चाबी दे दिया जाएगा और जब आप यहाँ से ख़त्म होने के बाद निकालते हो तो आप जो है अपना लॉकर को जो है खोल करके अपना सामान को ले जा सकता है। ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है। दिक्रोंग स्विम लैंड रिजोर्ट है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। अगर मैं पर्स कैमरामैन से कहूँ यहाँ से अगर इस आगे जाता है तो ये जो है यूनिवर्सिटी की ओर जाता है, दोईमुख की ओर जाता है। अगर इस तरफ जाता है कैमरा पर्सन एक बार दिखाएंगे तो आप यहाँ से न्यूजली निकल सकते हो और नाहरलगन की ओर जा सकते हैं। आप पता चल गया होगा कि ये पुलिस चेक पॉइंट है और यहाँ पर जो है दिक्रोंग जो है ब्रिज, ये सामने में दिक्रोंग ब्रिज है। जब दोईमुख से होकर के आप आते हो ना दिक्रोंग ब्रिज को जस्ट, तो आप यहाँ से 10 मीटर या फिर तकरीबन 6-7 मीटर के अंदर अगर आगे आता है तो यहाँ से जो है दिक्रोंग स्विम लैंड जो रिजोर्ट है यहाँ से होकर के जाता है। ये लोकेशन है तो आप इस लोकेशन को समझ लेना और मैं समझता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि ये कितना खूबसूरत जगह में बसा हुआ है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसे युवा जो एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको जो है प्रोत्साहन करने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग आकर के इस स्विमिंग पूल में आप जो है इंजॉय करेंगे अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ में।